हाय फ्रेंड, सुनई किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं दूध से बनने वाली एकदम फटाफट से बनने वाली मिठाई, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे दूध भरिया कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम इसे बनाना, और ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने चीनी ली है 4 बड़े चम्मच के करीब। अब इसको इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका हम घोल बना लेंगे। इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि इस पानी में पूरी चीनी घुल जाए। ये देखिए, और ये हमने लिया है दूध 1 लीटर के करीब। दूध को होने देंगे बॉयल। इधर देखिए, ये चीनी भी काफ़ी हद तक घुल चुकी है। बस ये मैंने लिया है आटा 50 ग्राम के करीब। अब इसमें यही घोल जो हमने चीनी का बना के तैयार किया है वो घोल डाल के इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से हम बैटर की तरह बना के तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी। ये देखिए इस तरीके से इसको बना के तैयार करना है हमें। जैसे हम पकौड़ी नहीं बनाते हैं उसी तरीके से इसका बैटर बना के तैयार कर लेना है। ये देखिए इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। और जो दूसरी तरफ मैंने दूध को बॉयल होने के लिए रखा था वो दूध भी देखो अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब इसको हम जैसे पकौड़ी बनाते हैं उसी तरीके से इसमें ऐसे ही जैसे बॉयल होता रहे दूध, उसी बॉयल में ही ऐसे से चुवाते जाना है। जैसे हम पकौड़ी डालते हैं उसी तरीके से इसमें डालते चले जाना है। ये ध्यान रखें कि दूध बॉयल करता रहे, मतलब उबलता रहे तभी डालते रहें, नहीं तो ये अगर बॉयल नहीं होगा तो ये चिपक जाएंगे आपस में। इस तरीके से हम चुवाते रहेंगे और बनाते रहेंगे। ये देखिए सारे इसी तरीके से मैंने बना के रख ली थी। और इसको पहले ना छेड़े, मतलब 5 मिनट बाद, उसके बाद हम इसे ये देखिए इस तरीके से देखेंगे तो सारी अलग अलग हो चुकी होंगी हमारी। ये देखो सारी पकौड़ियाँ अलग अलग हो चुकी हैं। बस इसी तरीके से इसे बनाना है। अब गैस की फ्लेम को कर देंगे मीडियम पे। मीडियम फ्लेम पे इसे हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट। ये देखिए इस तरीके से हम इसको अच्छे से नीचे से तक खबो देंगे ताकि अगर चिपका उपका हो थोड़ा सा तो वो भी छूट जाएगा। बस हल्के हाथों से इसको इसी तरीके से हमें चलाते रहना है। और ये थोड़ी सी चीनी ऊपर से और डाल देंगे, वो हमने पकौड़ी बनाई थी उसमें तो डाली थी। और थोड़ा सा दूध में मिठास आ जाए उतनी ही चीनी डालें अपने टेस्ट के अनुसार। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये देखिए, ये मैंने लिया है मिल्क पाउडर जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसको भी हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से पूरे दूध में मिला लिया है मिल्क पाउडर को भी, जिससे क्रीमी सा टेस्ट आता है और बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में भी। ये देखिए काफ़ी हद तक ये दूध भी हमारा गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए गैस की फ्लेम को एकदम लो कर दिया है मैंने, और ये हमारी दूध भरिया बन के तैयार हो गई है। देख रहे हैं ना, देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया दूध हमारा। और ये हमारी दूध भरिया भी जो हमने चुवाई थी भरिया, वो भी पक चुकी हैं। ये देखिए हमारी ये रेसिपी बनके तैयार हो गई। देख रहे हैं ना कितनी अच्छी लग रही है। इस वो मिल्क पाउडर में केसर मिला होता है इसलिए इसका कलर चेंज है। आप चाहे तो सिंपल वाला दूध पाउडर डाल सकते हैं, पाउडर वाला दूध। देख रहे हैं ना कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को मेरे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।